আপনাকে শুধু ভেনু এস ফোর ঠিক আছে আর সি সিক্স এটা একটা আর সি সেভেন্টিন আর জি গ্রিন ইলেকট্রিসিটি আর ইউরিনের কালচার করা আছে আমি আছি আপনার অসুবিধা নেই উনি আমাকে সব পাঠাবে যখন বলবে দেখুন ওনার ফোন নাম্বারটা তো আপনি নেবেনই আর আমার ফোন নাম্বারটা ওনার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন কোনো অসুবিধা হবে না আমি কেস স্টাডি দিয়ে একবার অ্যানিমাল ট্রায়াল করে দেখে নেব আপাতত ক্লিনিক্যালে দেখব ডোজ পটেন্সিটা নিয়ে বেশ জায়গাতেই গন্ডগোল আছে ডোজ পটেন্সিরা দেখুন বেশিরভাগ জায়গাতে ভুল করে হ্যাঁ কারণ ইন্ডিয়াতে যখন এসেছে ওনারা তখন কি করছে দেখুন মানে जो कि फिजिशियन साइंटिस्ट और एक्स आर्मी डीआरडीओ भी है उनका भी मैं अपने खिदमपुर फैन क्लब सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर फाउंडेशन की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और दो शब्द अवेयरनेस के तौर पे आप सबों के सामने रखने के लिए गुजारिश करता हूं सर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव बीन कॉल्ड मी मैं आप लोग को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने यहाँ बुलाया मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो समाज में इस तरह मेडिकल कैंप करके अवेयरनेस ये करते हैं तो इस तरह होना चाहिए अभी भी आगे इस तरह कोई भी प्रोग्राम हो आगे अगर हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसी अकॉर्डिंगली मैं बीइंग ए डेंटल सर्जन बीइंग ए फिजिशियन हम हमारा इंस्ट्रूमेंट लेके यहाँ जितना सेवा कर सकते हैं उतना करेंगे मैं यहाँ आने के लिए चौधरी साहब हमें बहुत सीनियर सर्जन है सीनियर डॉक्टर है बहरमपुर से आए हैं मुर्शिदाबाद से उन्होंने हमको इनवाइट किया मैं प्रोफेसर चौधरी प्रोफेसर राजदीप साहब को लेके यहाँ आए हैं यहाँ जो भी भाई लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह एक अनुष्ठान की तरह मानव सेवा में का काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं देखिए एक बात बता रहा हूँ हम लोग इंसान हैं इंसानियत के नाते हम लोग जो भी करें इंसान को सेवा कोई ऊपर वाला को एक ये जाता है मैसेज जाता है हम कुछ कर रहे हैं समाज तो आप लोगों को मैं माँ बहन भाई बहन जो भी है यहाँ सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ थैंक यू वेरी मच सर हमारे बीच मुर्शिदाबाद से बहरमपुर से आए हुए डॉक्टर जयंत कुमार चौधरी और बहुत ही एक सुनहरा मौका कि हम सब के बीच में पूरी दुनिया में जाने माने एक शख्सियत जिनको हेलो डॉक्टर के नाम से जाना जाता है प्रोफेसर एंड डॉक्टर राजदीप दत्ता जो हमारे बीच मौजूद है उनको लंदन से श्रीलंका से नाइट अवार्ड साइंटिस्ट का अवार्ड मिल चुका है तो हम सबके बीच में ये हमारी नसीबी खुशनसीबी है कि हम सबके बीच में इतनी बड़ी है शख्सियत मौजूद है आप हमारे इलाके में ये तशरीफ लाए तो हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए इनको इनके सम्मान में हम अपने आलमवारसी साहब से और माजिद भाई से जो एक हमारे बीच मौजूद है माजिद भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि प्रोफेसर एंड डॉक्टर राजीव दत्त साहब को आपकी उम्र कितनी है इसी बीच और फिर हम
अपने स्वयं वालों वारसी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी डॉक्टर साहब को सम्मान में उनके शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आप हमारे बीच हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो साथ ही हमारे एक और मित्र डॉक्टर गौतम कौर जो फिजिशियन है जेंटिस्ट भी है और एक आर्मी डॉक्टर है तो मैं उनके सम्मान में उनके शुक्रगुजार है। मैं स्वयं आलम वारसी साहब से कहेंगे और माजिद भाई से कहेंगे कि उनके हमारे सम्मान में एक उत्तरी पेश करें। शोर भाई से भी तो मैं चाहूंगा कि मैं शोर वालम वारसी साहब को मैं दे रहा हूँ माइक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रफीक हसनी साहब का जो कि हमारे पॉक्स फर्मा और सर्व सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट डॉक्टर है। और साथ ही साथ मैं आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर जयंत कुमार चौधरी जी का जो कि मुर्शिदाबाद से आप सभी को खिदमत के लिए यहाँ पे तशरीफ फर्मा सुबह से है। ये काबिल तारीफ है कि एक इतना बिजी शेड्यूल निकाल करके वो आप सबके सामने आए, आप सबों को खिदमत की है, आप सबों का यहाँ पे जांच की है। मैं साथ ही साथ तहे दिल से सर्व सोशल ऑर्गेनाइजेशन और किदनपुर फैन क्लब की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर राजदीप दत्ता जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो कि डॉक्टर भी है और साइंटिस्ट भी है, प्रोफेसर भी है और नाइट अवार्ड एक साइंटिस्ट है। तो ये काबिले तारीफ है कि हमारे किदनपुर के अंचल में इतने बड़ी शख्सियत आज कैंप में तशरीफ फरमा हुए हैं। तो मैं तहे दिल से इनका पूरे खिदरपुर के आवाम के जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे डॉक्टर एंड फेडरेशन डॉक्टर फाउंडेशन के जानिब से भी मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि अवेयरनेस के तौर पे दो शब्द आपको आपके सामने ही रखे सर। थैंक यू myself Dr. Rasheed Dutta is very much you know मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोग के सम्मान में आप आए क्योंकि कुछ आज कुछ काम भी था थोड़ा आने में थोड़ा लेट भी हो गए इसलिए माफी चाहता हूँ। तो बेसिकली ये जो आप लोग ने ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ काम है। तो जो हम लोग भी करते रहते हैं पूरा विश्व में, जब मैं लंदन में था तो आप लोग नहीं जानते उधर 3600 देश उधर मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था तो उधर आए थे, रशिया से थे, रॉक्सफोर्ड थे, उसके बाद इटालियन स्पेस एजेंसी थे, उधर भारतवर्ष सेकंड पोजीशन जावर किया और भारतवर्ष से मेरा ही नाम था और उन्होंने हमसे नाइट उपाधि से मुझे फेलिसिटेट किया और सर उपाधि से सम्मानित किया। तो यहाँ पर आने के बाद मैं हर जगह पर एक ही बात बोलता रहता हूँ कि इफ यू, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, इफ यू ईट मेडिसिन, इफ यू ईट मेडिसिन लाइक अ फूड, मतलब क्या मेडिसिन को फूड की तरह खाना और खाने को मेडिसिन की तरह खाना, मतलब क्या ज्यादा मत खाना। If you eat food like as medicine, you do not need to take medicine like as food. मतलब क्या? अगर आप खाने को medicine की तरह खाए, जितना खाना है उतना ही खाना पड़ेगा, ज्यादा खाना मत, ज्यादा उल्टा सीधा खाना मत, तो जिंदगी में कभी भी medicine को food की तरह खाना नहीं पड़ेगा। मतलब मेडिसिन मतलब 10 गोली 50 गोली 60 गोली खाने की तरह, जो खाने की तरह खाते हैं ना ज्यादा मेडिसिन लेना नहीं पड़ेगा तो आप लोगों का जीवन भी बहुत स्वस्थ रहेगा और समृद्ध होंगे आप लोग। इसी से ही मैं मेरा संक्षिप्त जो मेरा जो ये है बात है वो अभी खत्म करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू।